लोग यहाँ पर फोर नंबर देखते हैं, दिया हुआ है 8 इंटू ए प्लस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए प्लस वन इंटू बी प्लस का 2 और माइनस 15 बी प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए अगर आप इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, 120 माइनस का 120 ए प्लस वन का स्क्वायर इंटू बी प्लस 2 का स्क्वायर, यही ना आ जाएगा जी। चलिए तो एक काम करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर 8 इंटू में a प्लस वन का स्क्वायर प्लस में 12 a प्लस वन इंटू बी प्लस 2 माइनस 10 a प्लस वन इंटू बी प्लस 2 और माइनस का 15 b प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए घटेगा तो 2 आ जाएगा इतना, और गुना होगा तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4 ए प्लस वन कॉमन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ए प्लस वन बच जाएगा 2 इंटू में ए प्लस वन बच जाएगा, और यहाँ 4 तीन 12 3 और यहाँ पे बी प्लस का 2 बच जाएगा, माइनस का 5 कॉमन होगा और बी प्लस 2, तो 5 × 10 ए प्लस वन प्लस साइन चेंज हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और यहाँ बी प्लस का 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना जी। तो आ जाएगा 2 × a + 1 + 3 × b + 2 और इंटू में यहाँ पर है 4 × a + 1 और माइनस 5 × b + 2, ठीक है। चलिए अब इसे थोड़ा यहाँ सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, अंदर 2a + 2 प्लस का 3b + 6, 4a + 4 माइनस का 5b - 10, 2a + 3b और प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4a - 5b और यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं 5।